राइट सो right. so, पहला क्वेश्चन हमारे सराउंडिंग कोविड नाइनटीन दूजीसीड इंस्टीट्यूशन ऑप्शन इन ऑफलाइन ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन तो अब इस क्वेश्चन में आई uh, होप आपने वीडियो पॉज करके खुद भी आंसर कर लिया है इसमें दो चीज़ें हैं एक तो एरर ढूंढना भी है साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने क्लासेस में तो ये चीज़ कुछ लोग भूल जाते हैं तो आप देख रहे हैं बेटा कि ऑप्शन ए डी बी सी इस तरह से दिए हुए हैं तो जहाँ पर भी आपको एरर दिखे उसी को मार्क कीजिएगा सो so, मुझे एरर दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि आप किसी को ऑप्शन ऑफ समथिंग देते हैं है ना सो आई हैव गिवन एक्सक्यूज मी आई हैव गिवन हिम द ऑप्शन ऑफ टू शर्ट्स ठीक है ऑप्शन ऑफ टू शर्ट्स कि भाई इन दोनों में से कुछ भी पहन लो तो आप ऑप्शन ऑफ देते हैं ऑप्शन इन नहीं देते हैं तो गलत प्रपोजिशन यूज हुआ है तो सी है तो इसको देख लीजिएगा बेटा ये मत मार्क कर दीजिएगा आपको ये मार्क करना है तो आंसर आपका डी होगा ठीक है तो फैक्टर इनका मतलब होता है इंक्लूड तो वो कहना चाहते हैं कि एक ऐसा सर्कुलर जिसमें सारे के सारे अनसर्टेटीज जो कोविड की वजह से इंक्लूडेड है यू uh, UGC ने कुछ यू नो इंस्टीट्यूशंस को ऑफर किया है कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है अपना सकते हो क्वेश्चन नंबर टू इंडिया मूव टू अनलॉक आई थिंक मेरी वीडियो इस पर आ रही होगी आई डिंट रियलाइज दिस लेट मी जस्ट चेक दिस वेट 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 क्वेश्चन पर मेरी वीडियो आ रही होगी आई थिंक नाउ इट विल बी बेटर आई एम सॉरी क्वेश्चन नंबर वन पे मैंने रियलाइज नहीं किया कि वीडियो आ रही होगी मेरी बट चलिए अभी आई थिंक बेटर होगा सो इंडिया मूव टू अनलॉक एजुकेशन को इंसाइड विद रिपोर्ट रिडक्शन इन ओवरऑल डेली इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शन ऑल्दो एप्सल्यूट नंबर्स इज फ्राइटिंगली फ्राइटनिंगली हाई सो so, वैसे तो काफ़ी डायरेक्ट एरर है इसके अंदर सो so, एरर है यहाँ पर क्योंकि एप्सल्यूट नंबर्स जो हैं वो प्लूरल है तो यहाँ पर हम इसको आर दे देंगे पर ध्यान से डी किधर है यहाँ है मार्क इसको करेंगे सो so, इंडिया का जो ये मूव है ये जो उन्होंने एफर्ट लिया है एजुकेशन को अनलॉक करने का ये कोइंसाइड करता है विद कोइंसाइड के बाद विध ही लगता है कोइनसाइड मतलब सेम टाइम पर आया और सेम uh, टाइम किस चीज़ से एक रिपोर्टेड रिडक्शन आई मीन सामने आया है कि ओवरऑल केसेस <coughs> जो इन्फेक्शन के हैं वो कम हो गए हैं एंड एब्सल्यूट नंबर्स इसके बावजूद जो हैं वो बहुत बड़े बहुत हाई हैं तो नंबर्स प्लूरल है तो इज यहाँ पर नहीं हो सकता क्वेश्चन नंबर थ्री ग्लोबली अनप्रिपेयरनेस टू हैंडल द पैंडमिक एंड नीयर कोलैप्स टू द हेल्थ सिस्टम आर एबिलिटी टू फोकस ऑन हेल्थ

एंड uh, इसकी वजह से हम हेल्थ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं ठीक है ना तो यहाँ ऑफ इसमें आएगा तो बी आंसर बी ऑप्शन है बट वो दिया यहाँ है तो आंसर होगा डी तो इन बातों को ध्यान से पढ़िएगा ये मार्क्स चले जाते तो अच्छे नहीं लगते ओके एरेडाइट स्कॉलर्स एंड एलनाय फ्रॉम आई यूनिवर्सिटी आर बींग एक्नोलिज अमंग्स द थॉट लीडर्स ऑफ द कंट्री एंड दे हैव फॉर इन डिफरेंट ऑफ़ लाइफ, डिफरेंट नीश ऑफ़ लाइफ मतलब अलग अलग प्रोफेशन में ओके, okay? एरेडाइट का मतलब होता है जब आप लर्नेड होते हो जब आप पढ़े लिखे होते हो सो so, स्कॉलर्स और एलमनाई यूनिवर्सिटी से अब दो लोगों की बात हो रही है दो कैटेगरीज की तो आर भी बिल्कुल ठीक है ठीक है सो so, वो कौन एक्नोलेज कर रहा है दे आर एक्नॉलिज अमंगस्ट द थाट लीडर्स ऑफ द कंट्री सो थॉट लीडर्स बेसिकली वही होते हैं जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं तो एक्नॉलेज उन सो बेसिकली थॉट लीडर्स आपस में अमंगस्ट दैम डिस्कशन करते हैं कि हाँ यार तीस एरडाइज स्कॉलर्स एंड एलमनाए आर फ्राम दिस यूनिवर्सिटी सो वो आपस में ऐसा डिस्कशन करते हैं एंड uh, इन लोगों ने इन स्कॉलर्स और एलमनाय ने अपना एक नीच काव कर लिया है अलग अलग प्रोफेशन में देखो कार्विंग अ नीश नीश का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो सिर्फ आपकी हो ओके स्पेस दैट यू कैन ओनली फिल सो बेसिकली नीश मार्केट होती है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को केटर करते हुए कोई मार्केट होती है उसको नीश मार्केट कहते हैं जैसे रोल्स रॉयस मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि रोल्स रॉयस हर कोई नहीं खरीद सकता है ना इतनी महंगी कार होती है तो उसकी एक नीश मार्केट है तो इन लोगों ने भी अपनी एक नीश मार्केट बना ली है काव मतलब बना ली है तो इसमें कहीं पर भी कोई एरर नहीं है सो नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं बेटा नो एरर होना चाहिए सॉरी फॉर ऑप्शन बट इसमें कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको सो नो एरर इज द आंसर एक्चुअली देर वॉज नो एर ठीक है चलिए नेक्स्ट द प्रेशर ऑफ फीड इंडियाज वन पॉइंट थ्री बिलियन पीपल has led to suboptimal choices, okay? Like a water-guzzling rice crop grown in abundance in Punjab that bleeds aquifers, aquifers dry. So kafi visible error hai वैसे तो चलो पहले error ही discuss कर लेते हैं। तो pressure to do something होता है, ठीक है? तो answer है आपका ये। So pressure to feed India's 1.3 billion uh, people हो गया, ठीक है? अच्छा बिलियन पे एस तो लगेगा नहीं क्योंकि नंबर दिया हुआ है सो so, ऐसा प्रेशर है कि 1.3 बिलियन पीपल को खाना खिलाना है सो दिस हैज़ लेड टू सब ऑप्टिमल चॉइसेस सब ऑप्टिमल मतलब होता है जो सेटिसफैक्ट्री ना हो एंड लाइक अ वाटर गजलिंग राइस क्रॉप ग्रोन इन अबंडस सो वाटर गजलिंग का मतलब होता है ऐसा राइस क्रॉप जो बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर करता है एंड uh, उसको अबंडेंस में ग्रो किया जा रहा है पंजाब में एंड दैट ब्लीड्स एक्विफर्स ड्राई सो ब्लीडिंग द एक्फर ड्राई का मतलब है इतना पानी यूज हो जाता है राइस के ग्रोइंग में कि जो एक्स हैं जहां पानी स्टोर होता है वो सूख जाते हैं ठीक है तो इसमें और कहीं एरर नहीं है ऑप्शन ए में एरर है टू का चलो नेक्स्ट द क्रिटिसिजम अराउंड गिलियन फ्लिंस पोर्चल ऑफ हैज हैजेली सबसाइडेड एंड नाउ शी वॉज बैट एंड हैचेस फॉर अनदर ऑन स्लॉट ओके सो Uh, इसमें भी कहीं कोई एरर नहीं है मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ सो so, एक्चुअली में ये जो है वो एक फ्रेज है बैटन डाउन द हैचेस बैटन डाउन द हैचेस का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन सो सेंटेंस का मतलब क्या है सो क्रिटिसिज्म अराउंड गिलियन फ्लिंस पोर्ट्रेयल ऑफ वेमेन सो गिलियन फ्लिंस ने कहीं पर विमेन का पोट्रे पोर्ट्रेयल किया होगा प्रॉब्ली बुक या मूवी की बात हो रही है तो उस उसपे क्रिटिसिज्म चल रहा है क्रिटिसिज्म अराउंड समथिंग का मतलब होता है उसके अराउंड एक बातें चल रही हैं ठीक है ना अब काफी लोगों को आई एम श्योर लग रहा होगा क्रिटिसिज्म ऑफ दिस है ना तो बेसिकली क्रिटिसिज्म ऑफ अगर आप लगा दोगे तो मतलब हो जाएगा कि इसका ही क्रिटिसिज्म हो रहा है बट इसके काम का क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके अराउंड बातचीत चल रही है इसलिए हमने वहां पर अराउंड लिखा है ठीक है बेटा सो क्रिटिसिज्म अराउंड दिस पर्सन पोर्ट्रियल ऑफ वुमेन की किस तरह से उसने विमेन को पोर्ट्रे किया है हैज़ बेरली सबसाइडेड मतलब अभी वो क्रिटिसिज्म खत्म भी नहीं हुआ है सबसाइड मीन्स कम भी नहीं हुआ है एंड नाउ शी मस्ट बैट एंड डाउन दैट फॉर अनदर अटैक तो एक और अटैक उसको फिर डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो झेलनी पड़ेगी सो ऑन स्लॉट मीन्स अटैक ठीक है तो मतलब अभी वो तो ख़त्म हुआ ही नहीं है कि अब दूसरा भी उसको चालू करना पड़ेगा उसके साथ डील करना कुछ और भी स्टार्ट हो गया होगा अटैक ठीक है तो कहीं पर भी एरर नहीं है नो एरर इज द आंसर एक्चुअली मोदी हैज़ अश्योर्ड फार्मर्स द सपोर्ट विल स्टे बाय अनाउंसिंग प्राइसिस अगेंस्ट द वाइट विंटर क्रॉप दो एज फार्मर एक्टिविस्ट हैव नोटेड द टू पॉइंट सिक्स इंक्रीज परसेंट इंक्रीज विच इज़ ओनली हाफ द कॉस्ट एस्कुलेशन सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बिकॉज प्राइस अगेंस्ट समथिंग नहीं होता है प्राइस तो फॉर समथिंग होता है ना यू अनाउंस द प्राइज फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए प्राइस होती है सो so, मोदी ने अश्योर किया है फार्मर्स को यहाँ पर ब्रेक देना था और क्या अश्योर किया है कि द सपोर्ट विल स्टे और कैसे बाय अनाउंसिंग प्राइसेस फॉर द विंटर क्रॉप ठीक है उन्होंने कहा सपोर्ट आपके साथ है और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि विंटर क्रॉप के प्राइसेस क्या होंगे यहाँ अगर आप ब्रेक देकर पढ़ेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप ब्रेक देकर नहीं पढ़ोगे तो आपको ए में भी एरर लगेगा आपको बी में भी लगेगा सो विंटर क्रॉप प्राइसेस दे दी हैं दो एज फार्मर एक्टिविस्ट सो फार्मर एक्टिविस्ट ने नोट किया है कि ट्वेंटी इंक्रीज फॉर वीट अगर किया जाता है तो सिर्फ हाफ द कॉस्ट एक्सलेन ही होता है वो ठीक है सो यहाँ पर हाफ ऑफ द लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम कहते हैं ना यू के जस्ट पे हाफ द अमाउंट इस तरह से तो उसमें आप ऑफ लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है तो उसमें वहां ऑफ लगा होता तो भी गलत ना होता ऑफ नहीं लगा है तो भी सही है ठीक है तो आंसर क्या है इसका बी यानी कि ये ऑप्शन मंथ्स आफ्टर अ मैन इन उड़ीसा कंप्लेन फ्रॉम लोक अदालत आफ्टर फेलिंग टू गेट हिज़ आधार कार्ड आफ्टर मोर देन ट्वेंटी अटेम्प्ट हियरिंग इन द केस इज येट टू बिगिन सो उड़ीसा का एक पर्सन कांदामल डिस्ट्रिक्ट का यू नो मंथ्स हो गए हैं उसको ये कंप्लेंट लॉज किए अब लोक अदालत से थोड़ी लॉज कर सकता है अदालत में कंप्लेंट लॉज की जाती है तो यहाँ इन होगा सो ही हैज अ कंप्लेंट इन लोक अदालत अदालत कोर्ट में जाकर आप करते हो ना तो कोर्ट में करते हो यहाँ पर इन होगा आफ्टर फेलिंग टू गेट हिज आधार कार्ड सो so, उसको बीस अटेम्प्ट लग गए उसको आधार कार्ड नहीं मिला एंड अभी भी उस केस में हियरिंग बाकी है तो बाकी सब कुछ ठीक है बी में एरर है यहाँ पर बी बी की ही जगह पर है इंडोनेशिया हैज कॉन्शियसली टेकन अ मॉडरेट टोन ऑन द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन इट्स फेलो एशियन मेंबर स्टेट इंक्लूडिंग वियतनाम एंड फिलिपींस ऑन द वन हैंड एंड चाइना ऑन द अदर अब यहाँ पर बहुत ही विजिबल एरर है ऑब्वियस बात है कि एक फेलो मेंबर स्टेट तो है नहीं उसके आगे ही आप कम से कम तीन दे रहे हैं तो यहाँ पर स्टेट्स होना चाहिए दिस इज वेरी सिंपल आई एम श्योर आपने भी कर लिया होगा तो सी जो है वो आपका आंसर हो गया क्योंकि प्लूरल बनाना है है ना जहाँ एक्चुअल में ज़रूरत है प्लूरल बनाने की वहाँ तो बनाएंगे ही वन इंटेलेक्चुअल्स कैन आर्ग्यू अबाउट द सोसेज ऑफ चाइनीज कंडक्ट पेजेंस विद कॉमन सेंस कैन पॉइंट टू आंसर्स लाइंग इन प्ले प्लेन साइट सो वो कह रहे हैं कि जब इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो इस बारे में आर्ग्यू कर सकते हैं कि यू नो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ चाइनीज कंडक्ट यू नो हाउ चाइनीज कंडक्ट डेमसेल्स पेजेंट्स अपने कॉमन सेंस से पॉइंट कर सकते हैं टू आंसर्स सो यू पॉइंट टू समथिंग ठीक है एंड uh, वो जो इन uh, वो उन आंसर्स को पॉइंट कर सकते हैं विच आर लाइंग इन प्लेन साइट मीन्स काफ़ी विजिबल आंसर्स हैं सो इसमें अगेन यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है वेन ठीक है इधर ये जो पार्ट है यहाँ पर वेन का यूसेज आपको गलत मिला है क्योंकि वेन जो है ना वो जब के लिए यूज होता है ठीक है पर आपको यहाँ पर जब नहीं बोलना सो so यहाँ पर हमारा सेंटेंस का मीनिंग एक्चुअली में दो साइमल्टियस सेंटेंसेस को ले रहा है ठीक है हमारा सेंटेंस जो है वो एक्चुअली में साइमल्टेनियस एक्शंस को ले रहा है कि इंटेलेक्चुअल्स एक तरफ तो आर्ग्यू करते हैं अबाउट दाइनीस कंडक्ट एंड दूसरे साइड पर प्रेजेंट्स जो है वो अपने कॉमन सेंस से पॉइंट करते हैं जो हमारे सामने काफी जगह पर हम लगाएंगे वाइल क्योंकि हमको जब नहीं है बोलना है हमको साइमल्टेनियस एक्शन के लिए कंजंक्शन चाहिए विच इज वाइल तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ए की जगह पर ए ही है ठीक है ओके दैट वॉज द लास्ट वन इन दिस पार्ट ऑफ़ कोर्स पार्ट टू आपका नेक्स्ट डे आएगा सो मेक श्योर कि आप अपना स्कोर जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में सो दैट वी नो कि आपको कितना इंप्रूवमेंट इससे मिल रहा है ठीक है बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ओके थैंक यू सो मच बाय क्लास को